चलिए खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे घर में ऐसा लग रहा ना कि अभी सुबह के 8 बज रहे, इतनी मतलब लोग जग रहे हैं। तो देखिए, मैं आप सभी के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ और क्या कुछ उसमें लगा है आप सबको दिखाई दिया है। और मैंने ये बनाया था कल, जो कि आज शेयर कर रही हूँ। तो आप सब देखिए, एंजॉय करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइज, आज शुरू करती हूँ कुछ बनाने के लिए। तो सबसे पहले तैयारी कर लेती हूँ, काम तो बहुत फैला हुआ। गाइज, यहाँ पे मैंने सब्जियों को धुल के रख लिया है पहले से, और कुछ सब्जियां जो कि बाद में धुलनी है। तो मेरे घर में वैसे भी कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल ना के बराबर बनती हैं। होता क्या है फ्रेंड्स कि जब आप घर में, आपके घर में सब लोग सभी चीजें खाते हैं तो बनाने में अच्छा भी लगता है और मतलब संतुष्टि होती है खुद को भी कि जो मैंने बनाया सबने खा लिया। तो मेरे घर की सबसे बड़ी समस्या, कहने के लिए तो बड़ी छोटी सी फैमिली है लेकिन समस्या इस घर में बहुत ज़्यादा है कि खाने का तालमेल नहीं बैठ पाता है एक दूसरे से। और क्या करूं, निकल ही जाता है, मन की भड़ास निकल जाती है जब मैं कुछ बताती हूं ना, तो ना चाहते हुए भी निकल ही जाता है। और गाइस देखिए, प्याज भी आजकल कितना खराब ऊपर से आ रहा है ना, तो अंदर से जबकि सही है लेकिन ऊपर से खराब आ रहा है। तो चलिए, प्याज को भी मैंने छील लिया और धुल लिया, धुल के काटती हूँ। और गाइस एक चीज मैं बार बार बताती हूँ अपने ब्लॉग में, क्योंकि कहते हैं ऊपर का छिलका निकाल देना चाहिए, बहुत नुकसान करता है। तो इस तरह से मैंने अलग अलग करके रख लिया। और आप सब तो बहुत स्मार्ट हैं, इतने में समझ गए होंगे कि क्या मैं बनाने वाली हूँ। तो आप सबको क्या ही बताना है कि क्या मैं बनाने जा रही हूँ। और ये देखिए, इधर लहसुन में मैं छील रही हूँ और ये बड़ा मोटा मोटा लहसुन मुझे मिला है, कभी कभी बड़ा छोटा छोटा आ जाता है तो दिक्कत होती है। तो ये तो सही है, तो चलिए इसको भी फटाफट छील कर मैं रख लेती हूँ। लहसुन की भी तैयारी, सारी सब्जियों को काट के रख लेती हूँ, उसके बाद आगे मिलती हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए, आज का ब्लॉग आप सब देखिए और एंजॉय करें, फुल मस्ती करें, और मैं भी मस्ती के साथ ही बना रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ लग जाइए और शुरू करती हूँ। तो धीरे धीरे करके एक एक काम को मैंने कर ही लिया। लहसुन भी मेरा कट चुका है और मैं करती हूँ पनीर काटने की तैयारी। आज का पनीर भी बहुत अच्छा आया है, वैसे पैकेट वाला मंगाइए, वो अमूल वाला जो आता है, लेकिन मेरा बेटा नहीं खाता, कहता बहुत कड़ा लगता है। तो यहाँ देखिए, मैंने ले लिया कॉर्नफ्लोर, वैसे कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा कम लग रहा है मेरे पास, तो इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर लिया है। और मैदा मिलाने के बाद अब मैंने डाला रिफाइंड, और मैं रिफाइंड बहुत कम यूज करती हूँ लेकिन जब भी करती हूँ तो मूँगफली का वो करती हूँ, मूँगफली वाला मतलब, तो कभी फार्चून का कभी पतंजलि का, वैसे फार्चून का मुझे ज़्यादा पसंद है ये। तो चलिए, मेरा पनीर भी फ्राई हो चुका है फ्रेंड्स, और सोच रही थी कि ज़्यादा झाम ना करना पड़े, कि विनीगर और सोया सॉस ये सब चीज़ें अलग से डालो। तो सबसे बेस्ट आइडिया मुझे जो लगता है मैं वही करने वाली हूँ। और आप सबको कौन सा सबसे अच्छा आइडिया लगता है आप सब जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप सब कैसे बनाते हैं। और कोई भी चीज़ है फ्रेंड्स, जब आप बराबर बनाते रहते हो ना तो ज़्यादा बढ़िया आइडिया आ जाता है, कि आपको समझ में आने लगता है कि क्या चीज़ डालने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो देखिए, इस बार मुझे कश्मीरी लाल मिर्च मिला था जो कि बहुत अच्छा लगता है, तो ज़्यादातर मैं वही यूज़ करती हूँ। मैंने सब सब्जियों को डाल दिया है तो थोड़ा सा ये पक जाता है, और उसके बाद मैंने निकाल लिया। ये देखिए, चिंग्स का मसाला मैं ले आई थी, तो बस 8-10 रुपए में काम हो जाना, बढ़िया है, मुझे तो बहुत सही लगा। कितना मेरा करीब 250 ग्राम के करीब पनीर था, तो उतने के लिए ये सफिशियंट था और अच्छा है। तो पहले भी मैं यही यूज करती थी जब भी बनाती थी, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा झाम करना बहुत कम बनता है गाइस ना, तो चीज़ें लगता है ख़राब हो जाए, एक्सपायर हो जाए। तो इससे अच्छा है कि मुझे यही लगता है कि जब बनाओ तो ये पैकेट ला के डाल दो। वैसे आप सब इससे अच्छा कोई आइडिया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कभी उस पर भी बनाऊंगी। वैसे मुझे तो पसंद है पनीर की सब्जी, सॉरी चिली पनीर मुझे पराठे के साथ पसंद है। आप सबको किस चीज़ के साथ पसंद है ये ज़रूर बताइएगा आप सब। और देखिए, मेरा प्याज भी हो चुका, अब इसमें मैंने डाल दिया पनीर, और पनीर डालने के साथ फिर घोल को डाल दूंगी। और ये देखिए, फटाफट से चिली पनीर रेडी हो गया। और जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ उस समय मैंने खा लिया है, इतना यम्मी, इतना टेस्टी बना है। हाँ, थोड़ा स्पाइसी करने के लिए ना मैंने थोड़ा सा मिर्चे का यूज ज़्यादा किया है, कि वो तो आपके टेस्ट के ऊपर है, जिसके घर में जैसा लोग खाते हैं वो आप ऊपर से मिला लीजिए। इस वजह से फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल दिया इसमें, और सूखा लाल मिर्च भी डाल दिया है, और मैंने इसलिए डाला कि मेरे यहाँ थोड़ा सा तीखा स्पाइसी चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं वही डाल दी। और 250 ग्राम के लिए 10 रुपये में पूरा काम हो गया, क्या ज़रूरत इतना पैसा खर्च करने के लिए।
तो बस देखिए मेरा पनीर बनके रेडी हो गया है। और देखिए अभी आप सबको दिखाती हूँ कि इसके मतलब ये जो सामने से मैं देख रही हूँ तो इतना अच्छा अभी तो खैर कलर नहीं आप सबको दिख रहा है, अभी आगे देखिएगा। बहुत एमी एमी मेरा चिली पनीर बनके रेडी हो गया है। गाइज इधर मस्त चिली पनीर बन के रेडी हो गया। और हाँ, मैं बीच में बनाने के बाद मैं चली गई थी थोड़ा सा घूमने, घूमने के बाद आई तो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। प्रभु का थोड़ा सा मुंह फूला हुआ है और प्रभु ने देखिए क्या बोला। आजकल प्रभु कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं और आप सबको पता ही चल जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा दिखाया है कि मैं ही बना रही हूँ, लेकिन उन्होंने क्या कहा वो आप सब सुन के जान जाएंगे। और देखिए मेरा पनीर कितना यम्मी यम्मी बना है गाइज, तो आप सब बिल्कुल बढ़िया बढ़िया कमेंट करिए जिससे प्रभु जी बिल्कुल उनका मुंह चोखा हो जाए। ये देखिए हो चुका है 11:20 और इधर देखिए इनका मुंह देखिए कैसा भुकराया हुआ है। और मैं ले आई देखिए अपनी थाली, तो ये मेरी थाली है, क्या क्या है इसमें देखिए। तो ये है भाई चिली पनीर जो कि मैंने बनाया है, और ये बाहर से आया तो उसमें दिखाए हैं अभी, समझे, आगे पूरा बना दिखाए हैं। और ये देखिए गाइस वो मूली के पत्ते का साग है, कच्चा बना, मतलब पका नहीं हुआ। और चावल है और खीरा, मूली और आंवला की चटनी। तो मैं चल रही हूँ अभी इसको खाने। होप करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आप सबको मैं मिलने वाली हूँ एक नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। आज प्रभु गुस्सा है ना इसलिए ऐसे बोल रहा है, तो चलिए खा लेती हूँ।